हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एक लेटर को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे जा रहा है राइट अ लेटर टू टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट रेकलेस ड्राइविंग मतलब लापरवाही से जो वाहन चलाया जाता है उसके रिगार्डिंग आपको टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर लिखना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोर्टी जनकपुरी न्यू डेली लिख लेंगे जो कि एड्रेस होगा ऐसा एड्रेस आपको हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो गया हो तो जो भी आपको दिया गया हो वही लिख देना है उसके बाद डेट फिर लिखना है टू दी uh, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं दी एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली तो uh, सबसे पहले एडिटर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया जिस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन या जिस न्यूज़पेपर को ये लिखा जा रहा है वो उसके बाद न्यू दिल्ली जो कि वहाँ का एड्रेस रहे उसके बाद लिखना है subject. सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा छोटा होता है इसीलिए यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है रेकलेस ड्राइविंग उसके बाद लेटर लिखना शुरू करना है सर through the columns of your esteemed newspaper i wish to draw the attention of the concerned authorities and general public toward the issue of more and more cases of reckless driving every day to iska matlab hai ki sir aapke newspaper ke dwara main attention lena chahungi sabhi concerned authorities aur general public ka जो कि अटेंशन मुझे चाहिए जो रेकलेस ड्राइविंग मतलब जो लापरवाही से वाहन चलाया जा रहा है उसके तहत उसके बाद रेकलेस ड्राइविंग हैज़ बिकेम दर्डर ऑफ द डे मतलब ये दिन भर में बहुत बार होता है सो मेनी एक्सीडेंट टेक्स प्लेस एवरी डे ऑन द सिटी रोड्स बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं सिटी के रोड्स पर ड्राइवर्स जो होते हैं वो बच्चों के और बूढ़े लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं अपने लापरवाही के वजह से जो जवान लड़के होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा थ्रिल मिलता है स्पीड ज़्यादा करके आप लोगों ने ऐसे ही नॉर्मली देखा होगा कि जब आप नॉर्मल भी किसी रास्ते पे लड़के बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे आर कूल और एनी थिंग उसके बाद दे डू नॉट ऑब्ज़र्व द ट्रैफिक रूल्स वो लोग ट्रैफिक रूल्स को भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं मतलब अगर रेड सिग्नल है तो भी वो चले जाते हैं और वो बिल्कुल भी उस चीज़ को किसी भी तरह का अटेंशन नहीं देते हैं वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्राइड महसूस होता है जब वो एक वहीकल्स को ओवरटेक कर लेते हैं और लाइट के अगेंस्ट जाते हैं मतलब जैसे मैंने कहा ना रेड लाइट के अगेंस्ट जाना और ये सब तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राइड महसूस होता है और ये सारा का सारा जो है एक बहुत ही गंदा तरीके का एक्सीडेंट के रूप में नज़र आता है आज के दिनों में ट्रैफिक रूल्स जो होता है वो ज़रूर से ज़रूर फॉल फॉलो करना चाहिए और जो भी अंडर एज ड्राइवर्स है और जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस के उन लोगों को पनिश करना चाहिए और लापरवाही से वाहन चलाना जो कि ज़्यादा स्पीड से आप वाहन चलाते हो जो भी लड़के या लड़कियां जो ज़्यादा स्पीड से वाहन चलाते हैं ये जानते हुए कि ये चीज़ एक इंसान को हर्ट कर सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है वो लोगों को फोर्स कर देना चाहिए या फिर ऐसा लॉ बना देना चाहिए जो उन्हें एक साल तक का कम से कम का जेल मिले जब वो पुलिस से पकड़ाए तो ये एक डर टाइप का भावना बन जाएगा बच्चों के बीच में या फिर जो एडल्ट्स रहते हैं उनके बीच में कि हमें अच्छे से सावधानी से गाड़ी चलानी होती है और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें जो सिलेबस है उसमें हर एक क्लास को एक चैप्टर तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ाना ही चाहिए और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जो है वो उस अवेयरनेस को स्प्रेड करने से बहुत ही जल्दी ख़त्म किया जा सकते हैं बहुत ही आसानी से और अगर ऐसे इश्यूज़ पे टाइमली एक्शन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हैंस मैं ये विश करती हूँ कि अथॉरिटीज़ जो है ये इस सिचुएशन को समझेगी और एक्शन लेगी एज़ सुन एज पॉसिबल और एज इमिडिएटली उसके बाद आपको लिख देना है थैंक यू योर सिंसियरली फिर उसके बाद आपका जो भी नाम है वो तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज Thank you for watching this video till the end. I hope that you will now subscribe my channel if you haven't done. Please like this video and share this with your friend. I know most of you will be watching this video during your exam sessions. So please help me. Thank you.